हेलो स्टूडेंट्स ये वीडियो क्लास इलेवेंथ के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फिफ्थ पार्ट है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस के बारे में तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दो सब्सटेंस प्रेजेंट है तो ए सबस्टांस का मोल फ्रैक्शन होगा मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसी तरह से बी सब्सटेंस का भी मोल फ्रैक्शन होगा मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शन को हम इस सिंबल काई से डिनोट करते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एन प्रेजेंट इन एच टू ओ और एन का गिवन मास दिया हुआ है सिक्सटीन ग्राम और एच का दिया है वन ग्राम तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो एन का आएगा टू मोल्स और एच का आएगा टेन मोल्स अब देखिए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा जीरो पॉइंट सिक्सटीन इसी तरह से एच का मोल फ्रैक्शन आएगा जीरो पॉइंट एटी फोर तो चलिए अब बात करते हैं मास परसेंटेज के बारे में कोई भी सोल्यूशन अगर दो सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है तो एक जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होता है तो मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू हंड्रेड इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए दो ग्राम ए सब्सटेंस को 18 ग्राम वाटर में मिला के एक सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूट का मास परसेंटेज बताइए तो सॉल्यूट यानी ए सब्सटेंस है टू ग्राम और सॉल्यूशन है 18 प्लस टू ग्राम तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हंड्रेड में वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आएगा टेन आप बात करते हैं मोलरिटी के बारे में तो एक लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है उसे हम मोलरिटी कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखिए फोर ग्राम एन सॉल्यूशन का मोलारिटी बताइए जब वो 200 ml water के mixing से फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इन लीटर लीटर और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पे आएगा जीरो पॉइंट वन मोल अब इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा जीरो पॉइंट फाइव मोलारिटी तो चलिए आप बात करते हैं मोलालिटी के बारे में तो वन के जी सोलवेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होता है उसे हम मोलालिटी कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ इन केजी। और को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखिए कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर बाई मिक्सिंग एट्टी ग्राम ऑफ एन एच इन वन एट्टी ग्राम ऑफ सोल्यूशन तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ के जी तो सबसे पहले एन ए ओ एच यानि सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगा टू मूल्स और मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा वन एट्टी माइनस एट्टी ग्राम जो हो जाएगा 100 ग्राम विच इज इक्व टू 0.1 पॉइंट फॉर्मूला में पुट करने के बाद मोलालिटी आएगा 20। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने मेनली इन चार फार्मूलाज के बारे में सीखा मोल फ्रैक्शन इज इक्वस टू मोल्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स मास परसेंट इज इक्वस टू मास ऑफ सोल्यूट

मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग